जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। चाय फिर तुम्हारे आज की पसंद है मुझे। अरे शुक्रिया। वैसे भाभी, मैंने अभी अभी सुना आपकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं। अगर आपको जाना है तो मैं छोड़ देता हूँ, आप तैयार हो जाएं। अजहर घर पे ही है, इसे जाना होगा तो उसके साथ चले जाएंगे, आप फिक्र ना करें। कर दी ना गैरों वाली बात, पर सच तो यह है कि आप हमें अपना समझती नहीं है। भाई, इनके नक्शे कदम पर मत चलिएगा। खुदा इनके दिल में हमारे लिए मोहब्बत भी रहम डाले। कैसी बातें कर रहे हो, मोहब्बत और अपनाइयत का जमाना नहीं रहा है। बात सारी जो होती है ना, तरबियत की होती है। अब देख लो ना, हमारे अम्मा अब्बा ने हमारी तरबियत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं भी तो रह रही हूँ अपने ससुराल में, हाँ अपनी सास के साथ, क्यों इकबाल? हाँ सही कह रही हूँ। अपने आप को मजबूत करें, हर बात पर सर झुकाना छोड़ दें। बहुत शातिर लोगों से पाला पड़ा है आपका। क्या मतलब है आपका? मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही हूँ। घबराने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना, कदम कदम पर साथ दूंगा आपका। उस्मान की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दूंगा। ओ, पासपोर्ट बन गया आपका? नहीं। क्यों? अजहर ने पासपोर्ट बनवाने का नहीं कहा? नहीं बोला मुझे। देखा, ये लोग सिर्फ अपने मफाद के बारे में सोचते हैं। आप बहुत भूली हैं, इसलिए मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है। बिल्कुल फिक्र ना करें, आपको अपने साथ ले जाऊंगा और सारे काम करा दूंगा। फिलहाल तो आपकी बेगम आपको बुला रही है, जाके उनके काम कीजिए। हाँ, काशवा बुला रही है। जी। देखो रिदा, मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, इस घर के मकीनों को तुमसे बेहतर जानती हूँ। लोगों को ना उंगली उठाते हुए देर नहीं लगती, खास तौर पे वो लड़कियां जो जवान हो और जिनके शौहर मुल्क से बाहर हो। कोई कुछ भी कहता है लोग यकीन कर लेते हैं। तुम प्लीज संभल कर रहो। हाँ लेकिन बाल भाई कह रहे थे कि तुम्हारा पासपोर्ट नहीं बना है। तुम्हारा भाई है ना, और अगर वो मसरूफ हो तो तुम अजहर को कहो तुम्हारा जेठ है, लेकिन किसी तीसरे को नहीं। प्लीज मेरी बात मानो, और इकबाल से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। बात नहीं करूंगी तो फिर मेरी शिकायत हो जाएगी उस्मान से, और उस्मान फिर मुझसे नाराज हो जाएंगे। तुम्हारे लिए मेरी सिर्फ इतनी दुआ है कि तुम्हारा पासपोर्ट जल्दी बन जाए और तुम उस्मान के पास चली जाओ। संभल कर रहो। हाँ जाते ये धारे पार कैसे जाए कोई पानियों पे अंगारे अंगारे सांसें हैं रुकती पारे हैं दुखती हमने हर गम को हायूं हायूं जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। शादी के बाद पहली बार हम लोग ऐसे मिले, हम दोनों कितने बदल गए ना सादिया, हमारे चेहरे तक हमारे नहीं रहे, हमारे जहन पे
दहशत और खौफ के साए। ठीक कह रहे हो, हम नहीं रहे। सादिया, क्या हुआ है, तुम रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? तहसीब मैगी छोड़ गई, ये कहकर के इस सूरत पर ही वापस जा सकती हूँ कि मेरे घर वाले उनका मुतालबा पूरा करते। मुतालबा? कैसा मुतालबा किया है उन्होंने? और वो ऐसे कैसे कह सकते हैं? तुमसे मोहब्बत नहीं करते क्या वो? छोड़, हमारे मुल्क के 99% मर्दों की तरह उनका भी यही मानना है और कहना है कि बीवी से कौन मोहब्बत करता है। बीवी जो दुख सुख में उसका साथ देती है, दुनिया की वाहिद ऐसी हस्ती है जिसका गम आपका गम है, उससे कौन मोहब्बत करता है? ये क्या सोचा सादिया? क्या कह रहे हैं वो, क्या मतलब है मुझे बताओ। मेरे दिमाग में तो बस यही आ रहा है कि मैं जो भाई से, अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करती हूँ, उनके लिए जान भी दे सकती हूँ। आज ऐसा दिन आ गया कि मेरा वजूद ही उनके लिए परेशानी का बाइस बन गया। जो जहेज उनकी डिमांड पर, उनकी फरमाइश पर दिया गया था, उसके लिए भाई ने बहुत ज्यादा कर्जा लिया था। उस कर्जे को अदा करने के लिए घर का कुछ हिस्सा फरोख्त किया, तुम्हें पता है। तो तहसीब का ये कहना है जो हिस्सा फरोख्त किया उससे जो रकम आई उसमें मेरा भी हिस्सा है। अब वो रकम तहसीब को चाहिए। वो हिस्सा जिसकी हकदार तुम हो वो तहसीब भाई को क्यों चाहिए? क्योंकि वो जॉब कर करके थक गए हैं और उन्हें अब अपना बिजनेस शुरू करना है। तो मैं उस घर में अब तभी वापस जा सकती हूँ जब मेरे पास रकम होगी। मैं रकम लेके जाऊँ। क्या तय किया है घर वालों ने, देंगे उनको रकम? तो यही सोच रही हूँ कि जिन घर वालों ने मुझे इतने मान से, इतने यकीन से शख्स के साथ रुखसत किया, मुझे समझाया कि अब वही मेरा घर है, वही मेरा सब कुछ है, मुझे उसी घर में बसना है, उन सबका ख्याल रखना है, उस घर को कभी छोड़ना नहीं। उस घर के वकीलों ने थोड़ा सा भी नहीं सोचा, एक मिनट में मुझे उस घर से निकाल भी दिया। और बुरा किया था उसी भाई ने, लोगों ने मुझे इस चीज का एहसास दिलाया कि उस घर पर, उस घर के वकीलों पर मेरा कोई हक नहीं है। तो जब मेरा कोई हक नहीं है तो मेरे हिस्से की रकम पर उनका हक कैसे है? मैं नहीं मानूंगी उनकी बात। और फिर घर कैसे जाओगी? मैंने अब सब कुछ खुदा पे छोड़ दिया। जाग रही हो क्या? तुम रो रही हो? भाई कब से उस्मान को फोन कर रही हूँ, इतने दिनों से वो नंबर ही ऑफ जा रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मसरूफ है, कोई नाराज भी है, तो क्या करूँ? क्यों नाराज है तुझे? वो अंकल आंटी मेरी बहुत शिकायत करते हैं उससे, और वो अंकल आंटी की सुनने से मेरी कभी भी नहीं सुनते, मैं क्या करूँ? अनीक, रिदा, बेटा बाहर क्या कर रहे हो तुम दोनों? अंदर आ जाओ। जी आ रहे। मेरी बात सुनो, मम्मी के सामने रो रहा नहीं, मतलब परेशान हो जाएगी। तुम परेशान नहीं हो, कितनी देर तक खफा रहेगा, कॉल कर लेगा तुम। क्या हुआ अम्मी, आप अभी भी जाग रही हैं, इतनी रात हो गई है? तो तुम लोग भी तो बेटा अभी तक जाग रहे हो ना। उस्मान की कॉल आई थी, उससे बात करनी। अच्छा, क्या कह रहा था?
कैसा है वो, कब बुलाएगा इसे? आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि यहाँ पे जल्दी भेजना चाह रही हैं आप? बेटा बेटियां अपने घर में अच्छी लगती हैं, और इसे तो वैसे भी बाहर जाने का बहुत शौक है। पता है इसके इस शौक की खातिर मैंने कितने अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकराए। हाँ अच्छा है ना, चाहे अपने मियाँ के पास उसके साथ खुश रहे। और सुनो बेटा, अब उसका फोन आए ना तो खुद बात कर लेना। मैं कह दूंगा, परेशान है। जब सो जाओ ना, क्यों जाग रहे हो अभी तक तुम लोग?